नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुख्यात अपराधी सन्नी खटाल के ठिकाने पर पुलिस ने दी दबिश। भारी मात्रा में हथियार के साथ चार अपराधी गिरफ्तार। तिलकामांझी हटिया रोड में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। वर्षों बाद लोगों को दिखी चौड़ी सड़क। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का दिया निर्देश। व्रत के दौरान जल लेने गई युवती की कुएं में डूबने से हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत नवगछिया के जगतपुर गांव का हुआ चयन। ग्रामीणों में दौड़ी खुशी की लहर। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव एवं पर्व त्योहार के मद्देनजर अपराधियों के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बुधवार की देर रात एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर हेडक्वार्टर डीएसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने अपराधियों के ठिकाने पर दबिश दी। वहीं गुरुवार को एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कई कांडों में फरार चल रहे अपराधी मोहम्मद सहनवाज उर्फ सन्नी खटाल, नीरज कुमार यादव, ओम कुमार एवं सौरभ सुमन को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने कहा कि पुलिस ने अपराधियों के पास से ऑटोमेटिक देसी पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा बम, कारतूस, बम बनाने का सामान, मोबाइल, लैपटॉप समेत चोरी हुई मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट, बाइक के पार्ट्स एवं कई प्रकार के सामान को बरामद किया है। वहीं आशीष भारती ने छापेमारी दल में शामिल कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास समेत सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को पुरस्कृत करने की बात कही। बता दें कि इस दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस पर पथराव करने की बात भी सामने आ रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सन्नी खटाल अपने डेयरी फार्म में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के साथ साजिश रच रहा था। इसी दौरान मुख्यालय डीएसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के सभी थाना पुलिस के साथ छापेमारी कर चार अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 32 से गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम जेसीबी मशीन के साथ जैसे ही हटिया रोड पहुंची, वैसे ही अवैध कब्जा जमाए लोगों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद सिटी मैनेजर रवीश चंद्र वर्मा, जोनल प्रभारी मनोज चौधरी और वार्ड पार्षद हंसल सिंह के नेतृत्व में तिलकामांझी हटिया रोड से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान माइकिंग कर दोबारा अवैध कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान किसी प्रकार का विवाद न हो, इसको लेकर जिला पुलिस कप्तान आशीष भारती के निर्देश पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। वहीं अतिक्रमण मुक्त होने के बाद कैसा दिखा वार्ड नंबर 32 का हटिया रोड, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 32 में नगर निगम की ओर से आज अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया। इस अभियान से आम लोगों को कितना फायदा होगा, इसको लेकर के आज हमारे साथ भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 32 के पार्षद हंसल सिंह मौजूद है। हम हंसल सिंह से सीधा बातचीत करेंगे कि सर, आप कब से प्रयास कर रहे थे अतिक्रमण हटाने के लिए इस रोड में? 3 साल से प्रयास कर रहे थे लगातार। 3 वर्षों में आज सफलता मिली है। यहाँ के हर पब्लिक करीब 5,000 आदमी को अतिक्रमण से फायदा होगा। पैदल चलना हम लोग को मुश्किल हो गया है इस अतिक्रमण के चलते, और अब मैं लगा रहूँगा, मैं दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। अमूमन देखा गया है कि शहर से जहाँ भी अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ दोबारा अतिक्रमण हो जाता है। साथ ही आप मुझे यह भी बताइए कि इस रोड की चौड़ाई कितनी थी? इस रोड की चौड़ाई पहले हम लोग के नॉलेज में 40 फीट थी, लेकिन आज जो नापी करवाए हैं 35 फीट हो रहा है, और 35 फीट के अनुसार नाप करा के जो भी अस्थायी या अस्थायी अतिक्रमण उसको हम हटवा रहे हैं। दोबारा ना लगे इसके लिए क्या प्रयास? प्रयास करेंगे प्रशासन के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, अपने माध्यम से लगे रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, दोबारा फिर इस तरह की नौबत नहीं आवे। अगर आती है और लोग अगर बात नहीं मानते हैं तो इस बार हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे इस अतिक्रमण के लिए। तो अतिक्रमण को लेकर के जो पार्षद हैं वार्ड पार्षद वो सख्त हैं, और साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा भी यह अपील की जा रही है कि आप दोबारा अतिक्रमण ना लगाएं, नहीं तो जो कार्रवाई है वह की जाएगी। हम आपको एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं कि हटिया रोड की, तिलकामांझी हटिया रोड की यह तस्वीर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अतिक्रमण होता था वो 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जब हाट लगता था यहाँ पर तो अतिक्रमण हो जाता था, लोग यहाँ पर अतिक्रमण कर लेते थे। और कई दुकानदार भी ऐसे हैं
जिन्होंने अतिक्रमण रोड को, सड़क को अतिक्रमण कर रखा था और नगर निगम के द्वारा आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लेकिन यह अभियान या अतिक्रमण अभियान कितना सफल होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में गुरुवार को डीएम प्रणब कुमार ने जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर बैठक की। बैठक में सिल्क उत्पादन की संभावनाओं पर डीएम ने उद्योग विभाग, रेशम, कृषि, जीविका समेत कई विभाग के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सिल्क उत्पादन के लिए कृषि विभाग एवं जीविका को जिले में संभावना तराशने का निर्देश दिया गया, जबकि जिला उद्योग केंद्र के जीएम को जिले भर में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और क्लस्टर बनाने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि कहलगांव, पीरपैंती और सबौर में मिर्ची की खेती करने वाले कृषकों से बात कर अंडी की खेती करने के लिए कार्य योजना तैयार करने और शनिवार तक रिपोर्ट देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। डीएम ने कहा कि सिल्क को बढ़ावा देने से जिले की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और रोजगार का भी सृजन होगा, जिसका लाभ कोरोना महामारी के कारण बाहर से आए श्रमिकों को मिल सकेगा। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित कोला खुर्द गांव में गुरुवार को एक युवती की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान विभीषण सिंह की 17 वर्षीय पुत्री अलका कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत को लेकर पूजा करने के लिए पास के ही कुएं से जल लेने गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वो कुएं में गिर गई। वहीं काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब अलका घर नहीं पहुंची तो परिजनों द्वारा छानबीन के क्रम में अलका को कुएं में पाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से सबको बाहर निकाला गया। परिजनों ने बताया कि अलका इंटर की छात्रा थी और पढ़ाई में काफी तेज थी। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत नवगछिया प्रखंड के जगतपुर गांव का चयन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किया गया है। आदर्श ग्राम पंचायत जगतपुर के लिए प्रभारी पदाधिकारी के रूप में वरीय समाहर्ता मृत्युंजय कुमार को प्रभार दिया गया है। साथ ही इसके लिए नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार को भी विशेष दायित्व दिया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने एक आदेश जारी करते हुए उपरोक्त दोनों पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप पंचायत के सभी प्रकार के कार्य किए जाएं। इधर जगतपुर गांव में यह खबर फैलते ही ग्रामीणों में जश्न का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से उनका पंचायत उपेक्षित रहा है, अब उम्मीद है कि उनका पंचायत भी मुख्य धारा के साथ जुड़ेगा और गाँव में विकास होगी। वहीं जगतपुर पंचायत की मुखिया सोनी भारती ने बताया कि जगतपुर पंचायत का सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयन होने से सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का हल निकलेगा। रिक्वेस्ट किया गया था पंचायत की ओर से कि जगतपुर बहुत पिछड़ा पंचायत है, इसको गोद में लिया जाए और अपने अपने व्यवस्था से काम करवाया जाए। स्थिति पूर्व में ऐसा था कि यहाँ साइकिल भी नहीं घुस सकता था मेरे गाँव में, उसे बहुत अनुरोध किया गया था सांसद महोदय से, लेकिन उन्होंने इस्माइलपुर के पूर्वी भिठा को गोद लिए। जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून, यह शब्द आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन यह पानी लोगों को न जाने क्या क्या सुनने को मजबूर कर देती है। ताजा मामला भागलपुर कला केंद्र का है, जहां जल संकट और गंदे पानी की समस्या से जूझ रही कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ पानी भरने आई थी। इसी से नाराज वहां मौजूद सदस्यों ने महिलाओं को काफी बुरा भला कहा और कला केंद्र परिसर से बाहर निकाल दिया। हालात और व्यवस्था की मारी महिलाएं कला केंद्र से बाहर तो निकल गई, लेकिन कला केंद्र के मठाधीश बनकर बैठे लोगों पर जमकर भड़ास निकाली। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस समाज सेवी और बुद्धिजीवी ने महिलाओं को न सिर्फ पानी लेने से रोका बल्कि परिसर में चोरी की संभावनाओं का जिम्मेदार भी बता दिया। दरअसल परिधि संस्था के निर्देशक उदय पर महिलाओं ने कला केंद्र परिसर से बाहर निकाले जाने का आरोप लगाया है, जिनकी पहचान गरीब और पिछड़े लोगों के हित में आवाज उठाने वालों में से रही है। कहा जाता है कि दुश्मन को भी पानी लेने से नहीं रोका जाता है, लेकिन जब कोई कथित बुद्धिजीवी महज पानी भरने आई महिलाओं के प्रति इस तरह की बात करे तो समाज ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद रखेगी। बोलता है यहाँ पे आप लोग लेते हैं पानी, यहाँ चोरी की होगा तो आप लोग रिक्स लीजिएगा ना, तो हम लोग बोलते हैं रिक्स का, हम चोरी करेंगे तब ना रिक्स लेंगे, और जब चोरी ना करेंगे तो रिक्स क्या करेंगे, जाइए यहाँ से आप लोग, आप लोग का जहाँ जगह रहता है वहाँ पर जाकर पानी लीजिए, हम वहाँ पर पानी हम लोग का गंदा मिलता है। क्या मैम आपको वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है,
जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका जिले के ओल्हानी निवासी पूरन यादव का 25 वर्षीय पुत्र गोविंद कुमार की मौत गुरुवार को सर्पदंश से हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि गोविंद गांव के अन्य मजदूरों के साथ धान की केलाई करने खेत पर गया था, जहां जहरीले सांप के द्वारा काट लेने से गोविंद की हालत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में गोविंद को बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया, पर इलाज के दौरान ही गोविंद ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इधर फुल्ली डूमर अंचलाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता के लिए अनुशंसा की जाएगी। भागलपुर के सिटी डीएसपी राजवंश सिंह का तबादला शेखपुरा हो जाने के बाद गुरुवार को नाथनगर थाना में इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन के नेतृत्व में शांति समिति, पूजा समिति, मोहर्रम कमेटी सहित कई समाज सेवियों के साथ शहर के सुपर कप कहे जाने वाले सिटी डीएसपी राजवंश सिंह के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लोगों ने सिटी डीएसपी के साथ अपना निजी अनुभव साझा किया और सिटी डीएसपी ने भी कई व्यक्तिगत जानकारी और बातें बताई। समारोह में लोगों ने कहा कि सिटी डीएसपी के कार्यकाल में शहर में गुंडागर्दी, क्राइम, लूटपाट, मर्डर जैसे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा है। सनोखर बाजार के यूको बैंक परिसर हॉल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुधवार को सनोखर मंडल अध्यक्ष अनुज कुमार दुबे की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं श्रद्धांजलि देकर की गई। साथ ही बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मृत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह कहलगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पवन यादव द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी विजय कुशवाहा ने क्षेत्र में संगठन विस्तार की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश देते हुए बूथ को सशक्त बनाने की अपील की। बैठक में कहलगांव विधानसभा प्रभारी विजय सिंह कुशवाहा, सनहौला मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, सनोखर मंडल प्रभारी बद्री नारायण समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बांका जिला अंतर्गत बौसी थाना क्षेत्र के काजी कैरी गांव में जमीनी विवाद और नहर के पानी को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। घटना में 5 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद घटना की सूचना बौसी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा सभी जख्मियों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। घायलों ने बताया कि गांव के ही मोहम्मद मुकीम और उसके पुत्र अरशद, जलाउद्दीन, फैयाज और अहसन के द्वारा मारपीट की गई है। वहीं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया कि पीड़ितों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है, आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हम लोग घर से नहीं आए, बाहर में खड़ा था, बाहर में सब खड़ा। उसके बाद में फिर प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आया तब हम लोग हॉस्पिटल आए। कौन थाना को फोन किए थे? बौसी थाना। अच्छा, कब? आज फोन किए? हाँ आज। अच्छा, यहाँ लेके आप लोग को प्रशासन आया? हाँ, प्रशासन लेके आया वहाँ तक, वहाँ से फिर भेजा जो तुम लोग वहाँ। अच्छा, तब अभी हॉस्पिटल आए। तो आप लोग कितना कुल कितना आदमी घायल है? दो आदमी कुल जोर घायल है। ये दोनों खाली पेट में मारा है सर, खाली सर गुस्सा मारा है इसको। तो खेत में ही मारा है? उन लोगों को खेत में मारा है कि इनको मारा है सर? इसको घर पे, इनको खेत में मारा और उनको घर में? घर पे मारा है सर, उसका तो बिजली भी बना होगा, उसको पता ये सब नहीं था। मतलब बौसी हसडिया मुख्य मार्ग अंतर्गत पाठक पुल के समीप स्थानीय ग्रामीणों ने 2 मवेशी चोरी कर ले जा रहे एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पाठक टोला निवासी बबली झा और बंटी पाठक की दुधारू गाय को चोरी कर एक युवक अपने साथ ले जा रहा था। गाँव के कुछ लोगों की नजर चोर पर पड़ी और ग्रामीणों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। चोर की पहचान पुरैनी कमालचक निवासी तजमुल अंसारी के पुत्र मुजस्सिल अंसारी के रूप में हुई है। बता दें कि चोरी में शामिल मोहम्मद महफूज का पुत्र मोहम्मद रियाज मौके से फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक सभी पशु चोर तस्कर से मिले हुए हैं, जो इन मवेशियों को लेकर अररिया के रास्ते बांग्लादेश ले जाते हैं। चोरी तो नहीं किया, एक बार किया, यही पहली बार है। कहाँ लेके जा रहे थे इसको? पुरैनी से। कहाँ लेके जाते? पुरैनी में रखते हैं। कहाँ लेके आता पुरैनी से? बेचने के लिए। कहाँ बेचेगा? वहीं पे पुरैनी में। पुरैनी से फिर कहाँ जाता मवेशी? वो नहीं मालूम, वो जो लेता। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर हॉल्ट के निकट एक बांध के किनारे सोसिंदर रजक नामक 40 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। सोसिंदर रजक अपने भाई के साथ रहता था। घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुख्यात अपराधी सन्नी खटाल के ठिकाने पर पुलिस ने दी दबिश, भारी मात्रा में हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। तिलका मांझी हटिया रोड में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, वर्षों बाद लोगों को दिखी चौड़ी सड़क।
उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का दिया निर्देश। व्रत के दौरान जल लेने गई युवती की कुएं में डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत नवगछिया के जगतपुर गांव का हुआ चयन, ग्रामीणों में दौड़ी खुशी की लहर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।